सीरियल नमक इश्क की बात करें तो शो में सत्या कहानी के बदले युग के पास है। युग को इस बात का एहसास हो रहा है कि कुछ बदली बदली कहानी है, कहानी ऐसी तो नहीं थी। वो बार बार सोच रहा है कि आखिर कहानी को हुआ तो क्या हुआ, वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही। बहुत सारे सवाल युग के पास है। ऐसे में आपको बता दें कि अब जो है ईरावती वो कहानी के पास पहुंची है। जी हाँ, कहानी उसी घर में है, उसी घर के बेसमेंट में उसने कहानी को रखा है, जहां वो कहानी के पास पहुंच कर उसे होश में लाती है और कहती है कि देख मैंने तेरे साथ क्या किया, अब तेरी जरूरत किसी को भी नहीं है। जी हाँ, ये सुनने के बाद कहानी कहती है कि मेरे युग बाबू जरूर आएंगे, मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर ईरावती कहती है कि तेरे युग बाबू नहीं आएंगे क्योंकि कहानी तो वहां पर है। फिर वो एक वीडियो दिखाती है, ये वीडियो देखकर कहानी दंग रह जाती है क्योंकि उसमें सत्या होती है और सत्या को युग बाबू अपने रूम में ले जा रहे होते हैं। ये वीडियो देखने के बाद ईरावती से पूछती है कहानी की ये लड़की कौन है जो हूबहू मेरे जैसी दिख रही है। ईरावती यहाँ खेल खेल जाती है और कहती है तेरे जैसी शक्ल है तो तेरी बहन ही होगी ना। अब यहाँ माँ बहन की दुहाई देने लगती है ईरावती कहानी को, लेकिन कहानी जो है वो हार नहीं मानती है। वो कहती है कि भले ही इसकी शक्ल और इसकी बोली मेरे जैसी हो लेकिन दिल मेरे जैसा नहीं होगा, युग बाबू इसे पहचान लेंगे और मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। हालांकि रविकांत को भी शक हो गया है और रविकांत भी ईरावती पर नजर रख रहा है। देखना दिलचस्प है कि कहानी उसी घर में है, ये बात कैसे युग और रविकांत को मालूम चलती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।